जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको सभी को जानकारी देने वाला हूँ कि अगर आप सभी के पास एक 7 सीटर या फिर 5 सीटर कार है तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना चाहिए। इसी के बारे में ये वीडियो होने वाली है। आने आए दिनों में, पास के कुछ दिनों में काफ़ी सारे मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज प्राप्त हुए हैं जिसमें 7 सीटर गाड़ियों का चालान काटा गया है, 5 सीटर गाड़ियों का चालान कट रहा है। तो इस विषय पर मैं आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। देखिए जी, अगर आपके पास गाड़ी है जिसकी कैपेसिटी 7 सीटर है या 5 सीटर है, तो फिर इन गाड़ियों को आप जो लिमिट दी गई है, यानी कि 7 सीटर व्हीकल्स में 7 सीट्स जो असाइंड हैं, इसमें उतनी ही आपको वहाँ पर सवारी को बैठाना है। 5 सीटर में 5 लोग अलाउ है तो आपको 5 लोगों को ही बैठाना है। लेकिन गलतियाँ क्या हो रही हैं कि हाल के कुछ दिनों में जो मैंने इसके ऊपर जानकारी जो जुटाई है, उसके माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ कि 5 सीटर की कैपेसिटी में लोग वहाँ पर 6-7 लोग बैठ रहे हैं और 7 सीटर की गाड़ियों में 8-9 लोग बैठ जा रहे हैं, और इसी के लिए वहाँ पर चालान काटा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि अगर आपका इस विषय पर चालान कट रहा है तो आपको ध्यान से ये समझना चाहिए कि देखिए जी, आपका चालान तो कटेगा। अगर आप तय मानक से अधिक सवारियों को बैठाते हैं ऐसी गाड़ियों में, ऐसी कार्स में, तो आपका चालान तो कटेगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका 500 का चालान कटेगा या 5000 रुपये का कटेगा। ये किस बात पर डिपेंड करता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए जी, अगर आपकी गाड़ी 5 सीटर है या 7 सीटर मान के चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल 7 सीटर है, तो ये इस बात पर डिपेंड करती है कि वो प्राइवेट रजिस्टर्ड है या फिर कमर्शियल रजिस्टर्ड है। कहने का मतलब है कि गाड़ी जो है वो वाइट नंबर प्लेट की आपकी है या फिर येलो नंबर प्लेट की है। अगर येलो की है तो आप समझ जाइए वो कमर्शियली रजिस्टर्ड है, और वाइट नंबर प्लेट की है तो वो वहाँ पर प्राइवेट रजिस्टर्ड है। तो अगर आप प्राइवेट गाड़ियों में, पहली बात तो उसमें अलाउ नहीं है सवारी को बैठाना, वो पर्सनल यूज के लिए गाड़ी होती है, चाहे 7 सीटर हो या फिर 5 सीटर हो। जब तक आप उसका कमर्शियल पंजीकरण नहीं करवाएंगे तब तक आप उसको वहाँ पर सवारी बैठाने के लिए वहाँ पर पात्र नहीं, उसमें नहीं बैठा सकते हैं। अगर आप इनकेस प्राइवेट गाड़ियों में सवारी बैठाते हैं तो ये आपके ऊपर वहाँ पर चालान कटेगा, ये आपको नोट करना चाहिए। यहाँ पर ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर जैसे कि मान के चलते हैं प्राइवेट गाड़ी है, तो वो अगर आप उसमें परिवार के लोग ही बैठ रहे हैं तो 5 लोग की कैपेसिटी है, 5 लोग बैठे हैं। 7 सीटर गाड़ी है, कार है, तो उसमें 7 लोग बैठे हैं, उससे ज़्यादा बैठेंगे अगर आप पकड़े जाते हैं तो वहाँ पर आपका जो चालान कटेगा प्राइवेट गाड़ियों में, वो सवारी को बैठाए हुए हैं ऐसा माना जाएगा, और वहाँ पर आपका जो फाइन है वो 5000 रुपये तक का कट सकता है, ये ध्यान रखिए। और अगर आपकी गाड़ी जो है येलो नंबर प्लेट की है, कमर्शियली रजिस्टर्ड है, चाहे वो 5 सीटर हो या फिर 7 सीटर हो, तो वहाँ पर अगर आप वहाँ पर तय मानक से अधिक सवारी बैठाते हैं तो आपका 500 रुपये पर सवारी के हिसाब से चालान कटेगा। ये समझ में आपको आ गया होगा। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आप अपनी गाड़ियों में सवारी बैठाते हैं तो आपका चालान जो है वो कटने वाला है, उसमें आप बच नहीं सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको जानकारी ये भी दे देता हूँ कि आप अपनी प्राइवेट गाड़ियों में सवारी न बैठाने हैं तो चालान कटेगा, और इसके ज़िम्मेदार आप स्वयं होंगे। और अगर आपकी गाड़ी जो है वो कमर्शियली रजिस्टर्ड है तो वहाँ पर तय मानक से अधिक वहाँ पर सवारियों को ना बैठाएं, नहीं तो यहाँ पर भी चालान आपका कटने वाला है। तो इस विषय पर काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे, मैंने इसलिए वीडियो बना दी। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्वेश्चन समाप्त हो गए होंगे। अगर कोई डाउट को क्वेश्चन बचा हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम ट्विटर पर भी जुड़कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, @tinkalalokji सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लाइक नहीं है तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल को जो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव आपको फ्यूचर में मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।